आप भी इधर आइए। ओके ना, आगे हो जाए। ये थर्सडे को क्या रिपोर्ट नहीं, ये इंसिडेंट थर्सडे जा सकती है। और सैटरडे को क्या डेट थी? सैटरडे को 12 11 को क्या बना? 11 को कुछ भी नहीं, सैटरडे को पहली दफा पोस्ट करते हैं हमारे पास। 12 पोस्ट का 12 को वायरल हुई जी। मैं मिली 13 तक वायरल हो गई, 14 से प्रोटेस्ट। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक इंसिडेंट जो काफी ज्यादा वायरल हुआ, उस पर 14 तारीख को डीएजी साहब ऑपरेशन ने बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी जो बात थी पुलिस के पास उसको वजाहत के साथ बयान किया। लेकिन उसके बावजूद ये मामला और सिलसिला बढ़ता जा रहा था, तो उस पर मैंने रियलाइज किया कि मैं खुद आपके साथ आके इस पर बात करूं। और बहुत सी चीज़ों का ऑलरेडी आपको पता भी है, वो शायद रिपीट हों। और उसमें बेसिकली बात जो कि है स्टार्ट ऐसे हुई कि एक 12 तारीख से एक चीज वायरल होनी शुरू हुई कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉलेज कैंपस नंबर 10 जो गुलबर्ग में है, वहां पे किसी बच्ची के साथ रेप हुआ और अलेजली उसका जो गार्ड है उसने रेप किया। तो 12 को जब ये वायरल हुई, उसके बाद हमारी ऑब्वियसली इंक्वायरी शुरू की। हमने गार्ड का पता किया, गार्ड छुट्टी पे था, वो उसको उसके घर से बुलवाया गया, सरगोधा में था, उसको इंटेरोगेट किया गया। उसके अलावा तमाम जो एविडेंस हमारे पास आ रही थी उसको प्रूव किया गया। सीसीटीवी फुटेज जो है, जिस तरीके का ये वकुआ बताया जाता है, वो पूरी 12 घंटे की सीसीटीवी फुटेज एक एक मिनट की वो खुद देखी गई और उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। उसके बाद फिर जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने कोई वीडियो बयान दिया उनको इंटेरोगेट किया गया। उसके अलावा तमाम हॉस्पिटल्स चेक किए गए, पहले सरकारी चेक किए गए, फिर जैसे ही सोशल मीडिया में कोई नई बात आती थी कि जी फलां हॉस्पिटल चेक कर लें, फलां प्राइवेट हॉस्पिटल चेक कर लें, वो चेक किए गए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम आया, उसकी तमाम सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई, उसका आईसीयू चेक किया गया, उसका एंट्री रजिस्टर चेक किया गया। किसी किस्म की कोई इस तरह के इंसिडेंट की कोई पेशेंट वहां पे या स्टूडेंट कोई आना साबित नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक लड़की का नाम सामने आया और उसके बारे में कहा गया कि वो फलां हॉस्पिटल में है, उसको चेक किया जाए। उसके पेरेंट्स से रابطہ किया, उन्होंने कहा कि उस बच्ची को चोट लगी थी 2 अक्टूबर को, और उन्होंने पूरा एक प्रोसेस बताया कि पहले वो जनरल हॉस्पिटल में गए, फिर प्राइवेट क्लिनिक में गए, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और 11 अक्टूबर को वो बच्ची वहां से डिस्चार्ज हुई। और उसका भी सारा रिकॉर्ड चेक किया गया, उसके स्कैन्स चेक किए गए, और जो जिस तरह उसके पेरेंट्स ने बताया एज इट इज ही वैसे ही साबित हुआ, और उन्होंने आके अपना वीडियो बयान भी दिया। वो उसके बाद फिर ये सिलसिला रुका नहीं, 2 लड़कियों और का नाम आया, एक की शायद डेथ हो चुकी हुई है काफी साल पहले, दूसरी भी कोई एक्स स्टूडेंट थी जो कि काफी साल पहले कॉलेज छोड़ के जा चुकी है, वो लाहौर से बाहर किसी शहर से बिलोंग करती है, उसकी शादी हो चुकी हुई है। बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी हमसे रابطہ किया और इस चीज़ पे बड़ा एजिटेट किया कि हमारे बच्ची को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। तो इस हवाले से बाकी जितनी भी इस किस्म की वीडियोस या स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको प्रूव किया गया और उनको हम अब FIA को भिजवा रहे हैं। उस पर एक मुल्ज़िम हमने पकड़ा जिसने स्टूडेंट्स को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज पता चला है कि डिस्चार्ज हो गया।
लिहाजा उसके बाद फिर ये बाकी जो स्टूडेंट्स थी जिनके वीडियो बयान आए कि वो चश्मजीत गवाह थी, उनको इंटेरोगेट किया गया, वो उन्होंने भी अपने विड्रॉ कर लिए स्टेटमेंट्स और उन्होंने कहा कि हम मौके पे मौजूद नहीं थे और ये साबित भी हुआ कि मौके पे मौजूद नहीं थे। कॉलेज की सारी स्टूडेंट्स जितने पॉसिबल थे उनको भी इंटरोगेट किया गया, उनका इंटरव्यू किया गया। बात करने का मकसद ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई एविडेंस कहीं सरफेस पे नहीं आई और उसके बाद मंडे से एक सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। पहले दिन हमने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, जिन स्टूडेंट्स ने वायलेंस किया उनको हमने वॉर्न करके वापस जाने दिया। कल काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि आपके खेलम में है कि बाइक्स को आग लगाई गई, चीज़ों बिल्डिंग को डैमेज किया गया, उसके ऊपर हमने 24 जो वॉयलेटर्स थे उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया है। आज भी कोई 31 के करीब पकड़े गए हैं वॉयलेटर्स और जिनके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। तो मकसद आपका बेसिकली यहाँ पे आने का, आपको बुलवाने का यही था कि बिला वजह एक चीज़ को प्रोपगेट किया जा रहा है जिसकी कोई बेस नहीं है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास है, हमारे पास लेके आए, हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। हम खुद तो एफर्ट कर ही रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बनी गवर्नमेंट लेवल पे, उसने भी इस वाक्य को बेसलेस बताया। FIA की एक कमेटी बन गई है जो कि तमाम वो जो लोग इश्तियाल फैला रहे हैं या गलत व्यूमर्स कर रहे हैं उनकी वो जो भी वीडियोज़ हैं या ऑडियो पैगाम हैं या जो भी उनका प्रोपेगेंडा है उसको वो प्रोब कर रही है और उस पर हम एक्शन लेंगे भरपूर। तो क्या कोई जुडिशियल कमीशन बनने जा रहा है या फिर पुलिस जो है वो एक अपनी जो है वो एक तहकीकाती टीम जो है वो तशकील देगी, इसके बारे में बताइए। हमने तो ऑलरेडी आपको जिस तरह के बताया है कि पुलिस के लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अलावा एक FIA की कमेटी बन गई है, एक गवर्नमेंट लेवल पे हाई लेवल कमेटी बनी, उसने भी अपनी फाइंडिंग दे दी हैं। अब हाई कोर्ट क्या हुक्म देती है इसके बारे में तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सर ये बता दीजिए कि आप न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त हंगामे हो रहे हैं, IPD में भी बहुत ज्यादा हंगामे, लाल ऑर्डर की सुविधाएं खराब हो रही है, जो लोग आप पकड़ते हैं जो वायलेटर हैं जिनको ना जलजम के अलग पे पता है कि वो तीन दिन जो मर्जी आगे बोल रहे हैं उसके ऊपर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि एक बंदा जो है जिसने सारा कुछ वायलेट किया, सारा कुछ फैलाया और दूसरे दिन उसकी जमानत हो जाती है। FIA साइबर क्राइम पर ये किस्त ना आ रही है, अभी DLP ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि जी 7 दिन में इसको क्लियर किया जाएगा, ना हम भी सबको फिर तो मुल्क का क्या बनेगा, इसमें क्या कदम लेंगे? जी ऑब्वियसली हमारा जो काम है, हम तो जो एक्शन है जो लॉफुल एक्शन है वो लेंगे, FIR रजिस्टर करेंगे। साइबर टेररिज्म की FIR रजिस्टर की है FIM ने और हम उनको जो भी इस में इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा और वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा। मेरा सब सवाल ये है कि जिस तरह से लाहौर के हालात खराब हो गए, आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, आखिर कौन लोग हैं जो आ रहे हैं, और स्टूडेंट बच्चों के मुतल्लिक भी सोचना चाहिए कि स्टूडेंटों ने जिस तरह से आग लगाई उनके खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ करेंगे तो उनका CRO रिकॉर्ड भी बन जाएगा, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। यही बात मैं खुद कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को भी और उनके वालदैन को भी कि वो हरकत कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है और उसका लॉस अल्टीमेटली उनको होगा, उनका पुलिस परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा, कल को उनके एडमिशन्स में उनको प्रॉब्लम होगी, वीज़ाज लगने में प्रॉब्लम होगी, जॉब्स लेने में प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात है, या तो कोई चीज़ सामने लेके आए और फिर उस पर एक्शन ना हो तो उनको राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें, और वैसे भी अगर प्रोटेस्ट करना है तो जो तरीका है प्रोटेस्ट का पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसी बिल्डिंग को आग लगाना या किसी को डैमेज करने का कोई राइट नहीं है उनको। और जो पहला आपने क्या बात की, जो उकसा रहे हैं वो मैंने आपको बताया है कि उस पर हम काम कर रहे हैं, हम ये भी फाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, FIA इस पर काम कर रही है कि जो पहली पोस्ट इनिशिएट हुई थी वो दो जो ग्रुप बने हुए थे पेजेस उन पे उनको हम ट्रेस कर रहे हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। जी सोशल मीडिया के कितने अकाउंट अभी तक सामने आए हैं पुलिस भी 50 के करीब ये बता रहे हैं DG साहब के अभी तक सर्विस में आ गए हैं।
नहीं नहीं उनका डायरेक्ट FIR में वो इन्वॉल्व है, वो तो डेफिनेटली कोई केस रजिस्टर होगा तो उसमें 109 में आएंगे। अभी तो क्योंकि FIA ने केस रजिस्टर किया है और वो साइबर टेररिज्म के अंदर आ रहा है। अरे नहीं, DIG साहब ने देखें, मैंने बता रहा हूँ कि 12 को ये चीज सामने आई, 13 को संडे था, मंडे को फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया DIG साहब ने, और इसके बाद कल मैडम चीफ मिनिस्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसको तो पहले दिन से हमने टेकअप किया हुआ। पुलिस की हद तक तो मैं यही कह सकता हूं कि मेखल अल्फाज के चुनाव में कोई फर्क पड़ा है बेसिकली, क्योंकि पहले दिन यही पता चला कि वो थर्सडे को लीव लेके अपने गांव चले गया, तो इस क्योंकि लाहौर में वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब उससे रابطہ किया गया, टीम वहां भिजवाई गई टीम, तो ही वाज वेरी मच अवेलेबल एट हिज होम, तो वो उसने आके अपना पूरा वो शामले इंक्वायरी हुआ है, पूरा उसने बयान दिया है पूरा। नहीं, मिस हैंडल तो आप नहीं कह सकते, एक चीज हुई नहीं है, या तो है ना कोई वाकया हुआ हो और उस पर टाइमली एक्शन ना हुआ हो, फिर तो वो मिस हैंडल होता है। ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। हमारी स्ट्रेटेजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। मेरा ख्याल है ये जो वकील गिरफ्तार हुआ था इसकी पोस्ट मौजूद है जिसमें उसकी कोई ऐसी एविडेंस मिल रही है। अच्छा सर, ये कहिए कि ड्रोन मुल्क से भी ये सोर्स ने कहा है कि वहां से भी कुछ सोशल मीडिया ऑपरेट हुए हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड है सर जो आपकी तहवील में है पुलिस के भीतर, क्या उसको छोड़ दिया गया है? और ये जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि शामले इंक्वायरी हुआ था, हमारे पास आया था, उसको इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया, और उसके बाद जब उसका कोई ऐसा सामने नहीं आया एविडेंस तो उसको वापस भी जवाब दिया। बाकी रह गया सोशल मीडिया, वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इंटरनली भी एक्सटर्नली भी यूज भी होता है, मिस यूज भी होता है। जी मैं स्टार्ट में बताया कल 24 हमने गिरफ्तार किए थे, उनकी FIR हो गई है, आज वालों की FIR रजिस्टर हो रही है। आज भी आपने बताया 31 लोग थे। जी 31। गिरफ्तार हो गए ना।